सत्या विराट और सई को एक करना चाहता है, लेकिन सई है जो अपने प्यार और फर्ज में से उसने अपने फर्ज को चुना है। वो जानती है कि सत्या की तबीयत ठीक नहीं और ऐसे समय में सत्या को उसकी ज़रूरत है, और इसीलिए अब एक बार फिर से जब उसे मौका मिला है वापस विराट के पास जाने का, तो इस बात को लेकर सई ने इनकार कर दिया है। जहां सत्या ने विराट को वीडियो कॉल करके साफ साफ कहा कि वो चाहता है कि विराट और सई एक हो जाए, वहीं दूसरी तरफ अब सई जाने से इनकार कर रही है। सई को मनाने के लिए अब एक बड़ा कदम जो है सत्या ने उठा लिया है। क्या किया है सत्या ने, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल सत्या इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि अब सई उसकी ज़िंदगी में रहे, और जहां एक तरफ सई लगातार मना कर रही है और विराट के पास जाने को तैयार नहीं, तो सत्या ने डाइवोर्स पेपर साइन करके विराट और सई के हाथ में दे दिए हैं। सत्या ने साफ साफ कहा है कि मेरा अब सई से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं चाहता कि सई इस घर में रहे। तो ऐसे में अब सई ये बात जानती है कि सत्या ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन सई इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही। वहीं विराट का भी ये कहना है कि जब भी उसने सई से उसके दिल की बात पूछी तो सई ने मना ही कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि जब सत्या ने डाइवोर्स पेपर साइन करके सई और विराट को दे दिए हैं, तो क्या अब सई एक बड़ा फैसला लेगी, क्या सई अब अपनी खुशियों को चुनेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इतना आसान होगा उस सई को मनाना जो हमेशा अपने फ़र्ज के लिए अपने प्यार को और अपनी खुशियों को कुर्बान करती आई है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।